أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Dear students, today we are going to learn appreciation of poetry of history 10th chapter number 1.3 basket full of moonlight. As we have learned the poetry and question answer, it's a part 3B. Question number 3B, जो के appreciation होता है 5 marks का होता है. पहले हम poetry को बड़ी तेजी के साथ एक बार revise कर लेंगे. The title of the poetry is Basket Full of Moonlight and the poet is Sunil Sharma. हम पोएट्री को एक बार देखेंगे. ओ मून गिव मी मून लाइट बास्केट फुल और टू बास्केट फुल विथ सीड्स ऑफ मून लाइट फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट द होल विलेज गोज टू द सिटी daily to work it becomes dark on its way back as my village is quite far the route is tough and full of snakes and scorpions neither bus nor cart plies when my father returns home I am asleep and he goes back early in the morning While I am sleeping, आपने यह देखा कि स्टेंजा की साइज मुख्तलिफ है, अलग साइज की है. इससे यह साबित होता है कि राइमिंग स्कीम यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगी. और जब राइमिंग स्कीम नहीं मिलती है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा. आगे पोएट्री देखेंगे. ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट on loan I want to light the dark route so that my father returns early I too want to hear fairy tales and stories from him oh moon give me a basket full of moonlight I want to sow seeds of moon on the sides of the path poet is sunil sharma अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3B जो हमारी पोएट्री का होता है. इसके पहले क्वेश्चन पूछने के स्टाइल को पैटर्न को समझ लें. ये क्वेश्चन नंबर 3B होता है 5 marks का अप्रिशिएशन ऑफ द पोएट्री. इस बात का ध्यान रखना पड़ता है जो हिदायत यहां दी गई इंस्ट्रक्शन इज स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम विद हेल्प ऑफ द पॉइंट्स प्रोवाइडेड. जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसी के लिहाज से अप्रिसिएशन यहां लिखना पड़ता है. द अप्रिसिएशन इज टू बी रिटन इन पॉइंट्स फॉर्मेट. पॉइंट्स के तरीके से ही हमें अप्रिसिएशन लिखना पड़ता है. सबसे पहले टाइटल हाफ मार्क्स का, दूसरा है पोएट हाफ मार्क्स का, तीसरा पॉइंट है राइम स्कीम 1 marks, चौथा है फिगर ऑफ स्पीच 1 mark और आखिरी पॉइंट होता है थीम और सेंट्रल आइडिया फॉर 2 marks. ये हमारा क्वेश्चन का पैटर्न होता है पोएट्री देने के बाद. ऐसी इंस्ट्रक्शन हमको मिलती है क्वेश्चन पेपर में. अब हम अपने मॉडल आंसर को देखेंगे. एक्सपेक्टेड हमारा आंसर क्या होगा. पहले हम एक पेज ले लेंगे, उस पर टॉप पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3B अप्रिसिएशन ऑफ पोएट और फिर लाइन खींच के इस तरह से हम उसको लाइन का चार्ट बना देंगे और वहां लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में पॉइंट्स और सेकंड कॉलम में अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. लाइन खींच के बॉक्स बन रहा है, हमारा तैयार हो गया. सिस्टमेटिक लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, पेपर सेट रहे, खूबसूरत दिखे, नंबर क्लियर मिले. पॉइंट देखेंगे टाइटल. फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है टाइटल. पोएट्री का टाइटल क्या है
पोएट्री में हमें दिया गया है टॉप पर बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। हम लाइन खींच के इसको सेपरेट बना देंगे। पेपर में खूबसूरती भी आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पोएट। पोएट भी हमें पोएट्री में दिया रहता है हमेशा। पोएट इज सुनील शर्मा। ये दोनों पॉइंट हाफ ऑफ मार्क्स के हैं। इसके बाद राइम स्कीम। अभी हमने बताया कि इस पोएट्री में कोई भी राइम स्कीम नहीं मिल रही है, इसलिए इस पोएट्री को हम लिखेंगे नो राइम स्कीम, इट्स अ फ्री वर्स। इस बात को ध्यान रखें, फ्री वर्स कैसे लिखा जाएगा जिसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं मिलती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आप देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब एक ही लाइन में कई एक वर्ड ऐसे आ जाएं जो एक ही अल्फाबेट से शुरू होते हों। जैसे यहां पे हम देखेंगे आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। तो यहां पे हम देखेंगे यहां सो में एस, स्मॉल में एस, दूसरे स्मॉल में एस, इसे तीन बार ये अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ है। इससे पता चलता है कि इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। साथ ही साथ एक बहुत ही आसान फिगर स्पीच और होती है जिसको हम कहते हैं रिपीटेशन। यानी कोई भी एक वर्ड रिपीट किया जाए। इसी लाइन की मिसाल में आप देखेंगे आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। अब देखेंगे दो बार स्मॉल स्मॉल के इस्तेमाल किया गया है, तो इट्स अ रिपीटेशन। ये एक मार्क का सवाल है। हमने दोनों लिख दिया या एक भी लिखेंगे तो नंबर इंशाल्लाह आपको पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है थीम और सेंट्रल आइडिया। तो इसके लिए हमको पोएट्री को पूरा पढ़ना और समझना पड़ेगा, फिर इसकी थीम हम लिख पाएंगे। इट्स अ मॉडल आंसर। इन दिस पोएम चाइल्ड इज रिक्वेस्टिंग टू मून टू गिव हिम वन और टू बास्केट फुल ऑफ सीड्स ऑफ मूनलाइट। ही विशेस टू सो द स्मॉल मून्स ऑफ लाइट इन द पाथ, सो हिज फादर रिटर्न्स अर्ली फ्रॉम द सिटी टू द विलेज बिकॉज ही, यानी चाइल्ड बच्चा, ही वॉन्ट्स टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज बाय हिज फादर। इस तरह से ये हमारे एप्रिसिएशन का क्वेश्चन 5 मार्क्स का मुकम्मल होता है। आप लोग रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहें और इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आगे आने वाली वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे और आप उससे फायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।